रावण थारो वो भूत कठे, वो एकलिंग दीवान कठे, वो महाराणा प्रताप कठे, वो महाराणा प्रताप कठे। हल्दी घाटी में समर लड़ियो, हल्दी घाटी में समर लड़ियो, वो चेत करो असी भार कठे। मायण थारो वो भूत कठे, एक लिंग दीवान कठे, वो महाराणा प्रताप कठे। हो ये शेरे दिल आया है का। भारत माता की अरे मैं पांचो है इतिहासा में बाचो है इतिहासा में, मायण थे एड़ा भूत जणिया। और थनपान अरे थनपान लजायो नी थारो, थनपान लजायो नी थारो, रणधीरा रे सिर मोड़ बंध्या। अरे बेरिया रे मनसू बाटीला, हो बेरिया रे मनसू बाटीला, सारा पड़िया उन्हें आगे। अकबर के सामने सभी झुक गए, मगर वो झुकियो नहीं नर ना हरियो ना हरियो ना हरियो। नार किसे कहते हैं, नार किसे कहते हैं, शेर। अरे वो झुके नहीं नर ना हरियो, अकबर से नारे आगे। वो हिंदुआ सूरज में वाली रतन, हिंदुआ सूरज में वाली रतन, वो महाराणा प्रताप कठे। मायण थारो वो भूत कठे, वो एकलिंग दीवान कठे, वो महाराणा प्रताप कठे। बात उस समय की, जिस समय महाराणा प्रताप युद्ध के लिए रवाना हुए, महाराणा प्रताप अर्धांगिनियां होती थी वैसी, वीरांगनाएं होती थी वैसी, पत्नियां होती थी वैसी। धर्म के लिए जा रहे तो आरती करके कहती स्वामी जाए विजय होए, मगर आजकल तो स्वामी अगर धर्म के लिए आगे बढ़े तो पीछे से खींचे, अपने क्या लेना देना, आ जाओ नहीं। मगर वो अर्धांगिनियां थी चेतक, आज भी हल्दी घाटी में चेतक का स्मारक है। 20 फीट नाड़ा, महाराणा प्रताप का वजन 210 किलो लिए हुए, शत्रुओं से भगता हुआ वो स्वामी भक्त चेतक नाड़ा कूद गया, मगर अपने स्वामी की हत्या नहीं होने दी, सैनिक शत्रुओं के हवाले नहीं होने दिया। टांग टूट गई, मगर वो चलते चलते इतना दूर चला गया जहां पर महाराणा प्रताप को कोई नहीं देख सकते। फिर उस अपने स्वामी भक्त चेतक ने अपने जान दे दिए। उस चेतक के लिए भी एक बार ताली बजा करके स्वागत कीजिए। स्वामी भक्ति महाराणा प्रताप की घरवाली ने तिलक निकाला चेतक के और कहा रे मेरे लाल। अरे तेरे कंधों के आज भार है मेवाड़ का, अरे करना पड़ेगा तुझे सामना पहाड़ का। अरे हल्दी घाटी नहीं कोई खेल खिलवाड़ का, देना जवाब तुझको शेरों की दहाड़ का। अरे चेतक महान है तू, धरती की शान है तू, चेतक महान है तू, धरती की शान है तू, रखियो रे आज उनकी लाज। ओ पवन वेग से उड़ने वाले घोड़े, तुझ पर सवार है जो मेरा सुहाग है जो, रखियो रे आज उनकी लाज। हो
हल्दी काटी रे टीला सू शिव पार्वती युद्ध देख रया और मेवाड़ी वीरारी ताकत मेवाड़ी वीरारी ताकत अरे मेवाड़ी वीरारी ताकत अपनी नजरा में तोल रया। अरे बोलिया शिव जी सुन पार्वती मेवाड़ भोम ने मारवाड़ भोम ने बलिहारी हो। और बलिहारी क्या कि जो आछा कर्म करे जग में अठे जन्म ले नर नारी अरे मू स्वयं एकलिंग रूप धर्यो सदियासू में क्यों भला वठे। उदयपुर से 15 किलोमीटर पहले एकलिंग नाथ आते हैं। आप कभी भी जाना साक्षात शिव जी दर्शन देंगे आपको एकलिंग नाथ। कभी भी हल्दी घाटी जाना आज भी चेतक की वो खनखनाहट महाराणा प्रताप के वो वार आज भी सुनाई देते हैं। आप कभी भी हल्दी घाटी जाना वहां की माटी आज भी सोने जैसी है। आज भी आप जाना और आप कभी भी हल्दी घाटी जाना जहां पर रक्त तड़ाई अकबर के सैनिकों को जब महाराणा प्रताप के योद्धाओं ने काटा तो खून की नदियां बही वहां पर, वो आज भी रक्त तलाई वहां पर मौजूद है जो पूरी तालाब से तालाब भर गया था। आप कभी भी जाना वहां पर देखना। स्वयं एकलिंग रूप धर्यो सदिया सुबे जो भला बठे मायण थारो वो पूतक थे वो एकलिंग दीवान कटे वो महाराणा करता मकटे। बोले भारत माता की वंदे मातरम। और अंत में लिखा क्या ये आज देसरी सीमा पर संकट रा बादल मंडराया। और ये पाकिस्तानी किसी ने कहा घुसपैठिए। अरे ये पाकिस्तानी आप बोले पाकिस्तानी घुसपैठिया नहीं क्या बोल रहा है। अरे ये पाकिस्तानी टटपूंजा भारत सीमा में घुस आया। अरे भारत रावीर जवाना थे भारत रावीर जवाना थे बाने यो सब सिखा दीजो हो प्रताप राही वंशज वाने या आज बता दीजो आज यो कश्मीर किसका है थोड़ा छीन के यो कश्मीर भारत को है कुण आंख उठावे है अरे कुण आंख उठावे आज अठे मायड़ थारो वो ताली के साथ प्रीत जहां की रीत सदा मैं गीत वहां के गाता हूं भारत का रहने वाला
भारत की बात सुनाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। जहाँ राम अभी तक है नर में, राम अभी तक है नर में, नारी में, नारी में, नारी में अभी तक सीता है। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। Vande Mataram, Vande Mataram,